Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 8. Introduction to algebra. Page 130, exercise 8C. Simplify. अब आपके पास जो क्वेश्चन होंगे आपने उनको सिंप्लीफाई करना होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट आप इसको कह सकते हैं मिडिल ब्रैकेट 3x प्लस राउंड ब्रैकेट ठीक है मोस्ट इनर ब्रैकेट इसको कहते हैं सबसे मोस्ट इनर ब्रैकेट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 4x माइनस 2x और फिर ये ब्रैकेट क्लोज. मोस्ट आउटर ब्रैकेट सबसे बड़ी ब्रैकेट हमारे पास नहीं है ठीक है. 5x माइनस एज इट इज रहेगा 3x एज इट इज रहेगा प्लस एज इट इज रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x. अब हमारे पास मोस्ट इनर ब्रैकेट सॉल्व होगी. अब हमारे पास ये मिडिल ब्रैकेट है 5x माइनस अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस एज इट इज आ जाएगा 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 0. 0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज 8a माइनस 4a माइनस इनर ब्रैकेट में मोस्ट इनर ब्रैकेट में 3a प्लस 5a एंड इनर आपके पास मिडिल ब्रैकेट है सेम एज आपके पास एग्जांपल 1 की तरह सॉल्व होगी 8a माइनस एज इट इज मिडिल ब्रैकेट एज इट इज 4a एज इट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3a प्लस 5a इज इक्वल टू 8a. अब राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी मोस्ट इनर ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 8a माइनस 4a माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 4a ठीक है क्योंकि बड़ी प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो हम इस माइनस था तो इसलिए हम इसको अभी भी ब्रैकेट में लिखेंगे और ये ब्रैकेट शो करती है कि आप इस वाली रकम से इस वाली नंबर भी यहाँ पे हो या साइन हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 8a माइनस माइनस प्लस प्लस 4a 8a प्लस 4a इज इक्वल टू 12a 12a इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज a प्लस 3b माइनस b माइनस 3a माइनस a माइनस 2b माइनस a प्लस 2b. आप देखें आपके पास ये b जो ब्रैकेट है ये b आपके पास राउंड ब्रैकेट है लेकिन मोस्ट इनर ब्रैकेट ये जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कहेंगे ठीक है और इसके ऊपर यहाँ पे बार भी है. ओके यहाँ पे क्वेश्चन में बाय मिस्टेक यहाँ पे बार नहीं कि लिखा गया यहाँ पे बार है a प्लस 2b है यहाँ पे और इसके ऊपर इस तरह से बार है. ओके नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार को सॉल्व करेंगे a प्लस 3b माइनस b आपके पास आप इसको साथ में कर सकते हैं माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस में कर सकते हैं क्योंकि राउंड ब्रैकेट है. अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपको गलत नहीं होगा. माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा माइनस अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं इट्स नो प्रॉब्लम ठीक है. माइनस एज इट इज रहेगा ए माइनस 2b एज इट इज रहेगा ये माइनस b एज इट इज रहेगा ये a प्लस 2b था तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 2b. अब प्लस a और माइनस a ये फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है. a प्लस 3b माइनस b प्लस 3a एज इट इज माइनस मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे माइनस 2b माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4b माइनस माइनस प्लस और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस 4b. अब a प्लस 3b माइनस b प्लस 3a अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस प्लस 4b आ जाएगा. अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे a की वैल्यू के साथ a की लिखें a प्लस 3a को एक साथ लिख लिया 3b माइनस b प्लस 4b a प्लस 3a 4a 3b माइनस b प्लस 4b 3b माइनस b 2b 2b प्लस 4b 6b 4a प्लस 6b इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 4 इज 3 मिडिल ब्रैकेट a माइनस 2 मोस्ट इनर ब्रैकेट b माइनस a माइनस b and most inner bracket close and middle bracket also close. यहाँ पे बार है once again first of all बार को सॉल्व करेंगे 3a minus 2 as it is bracket में b minus as it is रहेगा क्योंकि first of all हम बार को सॉल्व करेंगे a minus b था a plus b बन जाएगा
इज इक्वल टू 3, ए माइनस 2 एज इट इज रहेगा। अब इनको सॉल्व करते हैं इनर ब्रैकेट को मोस्ट इनर, b प्लस बी इज इक्वल टू 2b, 2b माइनस a। अब देखें 2b माइनस a ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो हमें इसे आउट ऑफ ब्रैकेट करना होगा। इज इक्वल टू 3, a माइनस 2। अब a ये 2 जो है ये शो हो रहा है कि ये 2 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान ब्रैकेट के अलावा कोई साइन नहीं है। जब आपके पास यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर नंबर हो या साइन हो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस होता तो इट मींस आप इस माइनस के वजह से इसके साइन चेंज करते, जस्ट इस साइन से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 b से, तो क्या आ जाएगा 4b, फिर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3, a माइनस 4, a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a माइनस 4b। अब जो आपके पास मिडल ब्रैकेट है इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 को 3 से किया 9a, 3 को 4 से किया और प्लस माइनस 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 12b, 3 4 जा 12, 12b इज द आंसर, 9a माइनस 12b इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5 इज 5a माइनस, अब आपके पास यही है आउटर मोस्ट ब्रैकेट 3b माइनस, आउटर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर सारी ब्रैकेट्स होती हैं, ओके, आउटर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर है मिडल ब्रैकेट 4a माइनस। अब मिडल ब्रैकेट के अंदर क्या है, मोस्ट इनर ब्रैकेट सबसे अंदर जो है 5b माइनस 6a माइनस 7b, मोस्ट इनर ब्रैकेट क्लोज, फिर मिडल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट पे मोस्ट आउटर ब्रैकेट क्लोज। 5a माइनस 3b माइनस, इस ब्रैकेट को हम ब्रेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेसिस, 4a एज इट इज माइनस 5b एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बार की दो वैल्यूज को सॉल्व करना है, 6a माइनस 7b है तो 6a प्लस 7b हो जाएगा, 5a माइनस 3b एज इट इज माइनस 4a माइनस। अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 5b प्लस 7b 12b, 12b माइनस 6a, ब्रैकेट एज इट इज रहेगी क्योंकि अभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, 5a माइनस 3b माइनस 4a एज इट इज माइनस, अब हम 12b माइनस 6a, उन्होंने कहा था कि अलजेब्रा में ये जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर रह के ही तमाम टर्म सॉल्व हो जाए, जैसे कि 12b माइनस 6a, इसको जब तक हम ब्रैकेट से आउट नहीं करेंगे ये अब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो माइनस 12b को हम बाहर निकाल लेंगे और माइनस 6a था तो प्लस 6a हो जाएगा क्योंकि बाहर इसके माइनस है ब्रैकेट के, तो हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट मोस्ट इनर ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे इनर मिडल ब्रैकेट ब्रेसिस को, 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 12, 4a प्लस 6a, 10a, 10a माइनस 12b, ठीक है, 5a माइनस 3b, 10a माइनस 12b। अब हमने इसको भी ओपन कर लिया है क्योंकि 10a और 12b ये सॉल्व नहीं हो सकते थे, माइनस 10a माइनस 12b था तो प्लस 12b हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब हम मोस्ट आउटर ब्रैकेट को सॉल्व करने लगे हैं, 5a माइनस 3b माइनस 10a प्लस 12b इज इक्वल टू 5a 3b प्लस 12b 15b माइनस 10a एज इट इज, 5a माइनस 15b बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के और माइनस 10a था तो प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, प्लस 10 हो जाएगा। अब 5a प्लस 10a 15a, 15a माइनस 15b इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन 6 इज 7a माइनस 4b माइनस मोस्ट आउटर ब्रैकेट 5a माइनस 3, मिडल ब्रैकेट b माइनस 2, इनर मोस्ट ब्रैकेट a माइनस b और साथ में मिडल ब्रैकेट क्लोज और आउटर मोस्ट ब्रैकेट क्लोज, 7a माइनस 4b 5a माइनस 3 एज इट इज। अब b माइनस, अब देखिए a माइनस b, अब ये मोस्ट इनर ब्रैकेट के अंदर है और ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, सो हमें इन्हें बाहर ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a, माइनस 2 को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b आ जाएगा, ठीक है, मोस्ट इनर ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे इनको ब्रेसिस को, ये जो ब्रेसिस है हमारे पास मिडल ब्रैकेट 7a माइनस 4b माइनस 5a माइनस, ये 3 इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ठीक है, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b माइनस 3 माइनस 2a प्लस 6a क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3 प्लस 2b माइनस प्लस
माइनस, और थ्री टू जार सिक्स बी, ठीक है, सेवन ए माइनस फोर बी माइनस फाइव ए प्लस थ्री बी। अब आपने मोस्ट आउटर ब्रैकेट को भी ओपन कर लेना है, इसके बाहर जो माइनस का साइन है तो इनके अंदर की तमाम वैल्यूज साइंस चेंज हो जाएंगे। फाइव ए माइनस थ्री बी था प्लस थ्री बी हो जाएगा, प्लस सिक्स ए था माइनस सिक्स ए, माइनस सिक्स बी था तो प्लस सिक्स बी बन जाएगा, इज इक्वल टू सेवन ए माइनस फाइव ए। अब तमाम टर्म्स को इकट्ठा कर लें, फोर बी साथ में सिक्स ए बी, फोर बी के साथ प्लस थ्री बी प्लस सिक्स बी, सेवन ए माइनस फाइव ए इज इक्वल टू टू ए, टू ए माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू फोर ए, ठीक है। यहाँ पे सेवन ए माइनस फाइव ए इज इक्वल टू टू ए। अब यहाँ पे आपके पास देखें, सेवन ए माइनस फाइव ए टू ए था, टू ए माइनस सिक्स ए, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे आपके पास माइनस फोर ए आएगा, ठीक है, माइनस फोर ए यहाँ पे आपके पास आएगा, माइनस फोर ए। नेक्स्ट आपके पास है प्लस माइनस फोर बी प्लस थ्री बी, माइनस फोर बी प्लस थ्री बी आपके पास आएगा माइनस बी, माइनस बी प्लस सिक्स बी फाइव बी प्लस फाइव बी, माइनस फोर ए प्लस फाइव बी को आप आंसर के तौर पर लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव बी माइनस फोर ए, ओके, फाइव बी माइनस फोर ए भी आप आंसर लिख सकते हैं, और माइनस फोर ए प्लस फाइव बी इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक है। एक बात और, जब आप 2a को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने कितनी दफ़ा आपके पास बाय जहाँ पे ये 3 नंबर था, 3 को आपने b से मल्टीप्लाई किया, 2 को आपने a से किया, 2 को b से किया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को a में ऐड करें, या आप 2x को आपके पास अगर 2x और 3x लिखा हुआ है और दरमियान में आपके पास कोई साइन नहीं है, जस्ट ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि आपने 2x को 3x 3y से इस तरह मल्टीप्लाई करना है, 2x को 3y से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप 2x आप डिफरेंट आपके पास जो टर्म्स होंगी उनको आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। क्वेश्चन सिक्स, सिक्स क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन, ए माइनस आपके पास सबसे पहले मोस्ट आउटर ब्रैकेट बी माइनस सी प्लस ए माइनस इनर मिडल ब्रैकेट बी माइनस और फिर मोस्ट इनर ब्रैकेट सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी, इनर ब्रैकेट क्लोज मिडल ब्रैकेट क्लोज एंड मोस्ट आउटर ब्रैकेट, ए माइनस बी माइनस सी एज इट इज प्लस ए एज इट इज माइनस मिडल ब्रैकेट एज इट इज बी माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बार को सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी था तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ए माइनस मोस्ट आउटर ब्रैकेट बी माइनस सी प्लस ए एज इट इज माइनस बी माइनस, अब माइनस ए माइनस ए मोस्ट इनर ब्रैकेट को सॉल्व करें, माइनस टू ए हो जाएगा, सी माइनस टू ए प्लस बी हो गया है। अब ये देखें मजीद मोस्ट इनर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकती, इसको ओपन करना होगा, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी एज इट इज माइनस। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस सी माइनस टू ए था प्लस टू ए हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर तमाम साइंस चेंज हो जाते हैं जब हम उसको ओपन करते हैं, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा। अब प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनर ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, वो रिमूव हो चुकी है। अब हम मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस, अब आपके पास मिडल ब्रैकेट है और मिडल ब्रैकेट में है माइनस सी प्लस टू ए, अब माइनस सी प्लस टू ए ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम मिडल ब्रैकेट को भी रिमूव करेंगे और इसको ओपन करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए, मिडल ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइंस चेंज होंगे, माइनस सी माइनस प्लस माइनस, माइनस को जब टू ए से माइनस को जब प्लस टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए आ जाएगा, एंड मोस्ट आउट ऑफ ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी बी जब होगा यहाँ पे, जब मोस्ट आउट ऑफ ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इसके बाहर भी माइनस है, ठीक है, माइनस बी माइनस सी था तो प्लस सी हो जाएगा, प्लस ए था माइनस ए हो जाएगा, प्लस सी था माइनस सी हो जाएगा, प्लस टू ए माइनस माइनस टू ए था प्लस टू ए हो जाएगा। अब तमाम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लें, ए माइनस ए प्लस टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट, टू ए एज इट इज माइनस बी था ही सिंगल वो एज इट इज रहेगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल और टू ए माइनस बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, टेन ए माइनस फोर आपके पास नेक्स्ट है, मिडल ब्रैकेट फाइव ए माइनस थ्री, नेक्स्ट ए माइनस वन माइनस थ्री, नेक्स्ट मोस्ट इनर ब्रैकेट फोर ए माइनस थ्री ए प्लस वन बार, ठीक है, टेन ए माइनस फोर
फाइव ए माइनस थ्री ए माइनस वन माइनस थ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल बार को सॉल्व करेंगे आप, फोर ए माइनस थ्री, थ्री ए प्लस वन था, थ्री ए माइनस वन। इस क्वेश्चन को अगर आप खुद, आपने इसको खुद समझना है, ठीक है, सॉल्व है जब जस्ट आपने इसको समझना है। देखिए यहाँ पे हमने बार फर्स्ट स्टेप पे खत्म कर लिया है, सेकंड में आपके पास आप क्या करेंगे, मोस्ट डिनर ब्रैकेट में आपके पास है फोर ए माइनस थ्री ए, तो आपके पास आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फोर ए माइनस थ्री ए आ जाएगा, ए के इक्वल ए माइनस वन। अब इनर ब्रैकेट में आपके पास है ए माइनस वन और ए माइनस वन इस ब्रैकेट के बाहर है थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री ए माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा और इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में माइनस थ्री को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री ए, माइनस थ्री जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस थ्री, माइनस थ्री माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस थ्री। नेक्स्ट अब आपके पास इनर ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, आप मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, टेन ए माइनस फोर, मिडल ब्रैकेट में है फाइव ए माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन, माइनस थ्री को ए माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, माइनस थ्री को ए से करेंगे तो माइनस थ्री ए, माइनस थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें जस्ट थ्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइनस थ्री ए प्लस थ्री ए प्लस थ्री एज इट इज रहेगा, टेन ए माइनस फोर, अब मिडल ब्रैकेट में है फाइव ए माइनस थ्री ए, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, फाइव ए माइनस थ्री ए इज इक्वल टू टू ए प्लस थ्री एज इट इज माइनस थ्री ए प्लस थ्री। अब टेन ए माइनस इस फोर को आप मिडल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फोर टू जर एट, एट ए प्लस फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व, माइनस थ्री ए और प्लस थ्री। अब इनको आउटर ब्रैकेट, मोस्ट आउटर ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, टेन ए माइनस, इसके बाहर माइनस था तो सारे साइंस अंदर चेंज हो जाएंगे, एट ए प्लस ट्वेल्व था माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस थ्री ए था प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री था माइनस थ्री हो जाएगा, तमाम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, टेन ए माइनस एट ए प्लस थ्री ए ये बन जाएगा फाइव ए, क्योंकि टेन ए माइनस एट ए टू ए, टू ए प्लस थ्री ए फाइव ए, माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, फाइव ए माइनस फिफ्टीन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस थ्री ए स्केयर माइनस मिडल ब्रैकेट बी स्केयर माइनस ए स्केयर मोस्ट इनर ब्रैकेट ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और तमाम ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी। टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस थ्री ए स्केयर माइनस मिडल ब्रैकेट बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस, अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर। अब यहाँ पे आप इसको अगर करना चाहें तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको ओपन करके भी कैंसिल करें तब भी हो जाएंगे। टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस थ्री ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर, इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, प्लस ए स्केयर माइनस बाय प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएंगे, प्लस का बी स्केयर माइनस का बी स्केयर कैंसिल आउट, माइनस का स्केयर प्लस का स्केयर कैंसिल आउट, जस्ट इसके अंदर बचा है माइनस ए स्केयर, यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस ए स्केयर। टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस थ्री ए स्केयर माइनस, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अंदर है माइनस ए स्केयर, ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे माइनस ए स्केयर, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस थ्री, अब यहाँ पे ए स्केयर था और फिर ए स्केयर के साथ यहाँ पे ये ए स्केयर माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस माइनस प्लस ए स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्केयर टू ए स्केयर आ जाए और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा, अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब भी। टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस माइनस थ्री ए स्केयर को थ्री को स्केयर से मल्टीप्लाई करें माइनस थ्री स्केयर, फिर थ्री को स्केयर से मल्टीप्लाई करें थ्री स्केयर। टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस थ्री स्केयर माइनस थ्री स्केयर माइनस सिक्स स्केयर, टू को स्केयर से मल्टीप्लाई करें टू स्केयर, टू को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करें माइनस टू बी स्केयर माइनस सिक्स ए स्केयर। अब टू स्केयर माइनस सिक्स स्केयर माइनस फोर स्केयर माइनस टू बी स्केयर माइनस फोर स्केयर माइनस टू बी स्केयर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर टेन आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस आई विल वेट द वॉल्विंग, ठीक है, हम इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं मजीद इनके पैरेंथेसिस के हवाले से ब्रैकेट्स यूज करके, ठीक है, हम इनको इनकी फॉर्म किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो देखें 5 बाई टू एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वाई प्लस फाइव प्लस वाई को हम एक ब्रैकेट में रखें और टू एक्स एलसीएम आ जाता है इनका, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा टू एक्स और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई, ये इसकी एक अलग से शेप बन अलग फॉर्म बन गई है। पार्ट टू है 24 माइनस एट वाई स्केयर प्लस सी स्केयर, 24 8 में से 24 और 8 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 8 अगर आप कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 माइनस वाई स्केयर, क्योंकि 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 8 को आप माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें माइनस वाई स्केयर, तो माइनस एट वाई स्केयर आ जाएगा प्लस सी स्केयर।
पार्ट थ्री और फोर यहाँ पे सॉल्व है, आपने खुद से समझते हैं। योर एक्सरसाइज 8C इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेज 130 एंड द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन। व्हाट इज एवेल्युएशन? Algebraic expression once they have been simplified as much as possible. Algebraic expression एक हमारे पास algebraic expression हो हम उसको तब तक simplify कर सकते हैं जहां तक वो हो सकता है. Give a generalized solution a certain problem. किसी भी एक certain problem का एक generalized solution mean उसका एक proper solution देना चाहिए. However, it is possible to obtain a numerical answer by substituting number for each variable. लेकिन जब तक आप हर वैल्यू को हर वेरिएबल को एक न्यूमरल अगर वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तब आपको एक न्यूमरल आंसर मिल सकता है. एवेल्युएशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सब्सिट्यूटिंग नंबर्स फॉर वेरिएबल्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन द आंसर इज कॉल्ड एवेल्युएशन. आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आंसर हासिल करने आंसर फाइंड करने के लिए जब आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो उसको उस अमल को हम क्या कहते हैं? एवेल्युएशन. ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल एक्स की जगह ए की जगह वाई की जगह जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवेल्युएशन. एवेल्युएशन की डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. द न्यूमेरिकल रिजल्ट विल ऑफ कोर्स वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर वैल्यूज दैट गिवन टू ईच वेरिएबल. वो उन पर्टिकुलर वैल्यू के मुताबिक होगा जो कि आप उसको असाइन करेंगे. लुक एट द सिंपल एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई एज एन एग्जाम्पल. यहाँ पे देखें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर. हम उनको इन सर्टेन ऑर्डर में फाइंड करते हैं सॉल्व करते हैं. और इस सर्टेन ऑर्डर का क्या नाम है? बोडमैस. ठीक है, बोडमैस. बोर्ड मैथ फर्स्ट ऑफ ऑल बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. आपने डी मैथ रूल पढ़ा हुआ है इससे पहले, ये बोर्ड डी मैथ होगा. ठीक है, ब्रैकेट्स का रूल. आपके पास एग्जाम्पल है इसके लिए. इफ ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस थ्री, सी इक्वल टू थ्री, एवेलुएट द फॉलोइंग. ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज असाइन की हुई हैं, आपने इनकी वैल्यूज पुट करके फाइंड करना है. ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी. ए की वैल्यू क्या थी? वन. प्लस बी की वैल्यू क्या थी? माइनस टू. माइनस सी की वैल्यू क्या थी? थ्री. वन प्लस माइनस 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 टू आ जाएगा, प्लस थ्री. वन माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर आंसर आ जाएगा. इसी तरह आपके पास ये बाकी की एग्जाम्पल भी सॉल्व होंगी. एग्जाम्पल टेन भी आपने खुद सॉल्व करनी है. इसी तरह का हम एक्सरसाइज डी में आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगी. ये एग्जाम्पल्स आपने खुद देखनी होंगी. ओके, क्योंकि इस तरह के सेम क्वेश्चन में आपको आगे एक्सरसाइज एट डी में सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है, एग्जाम्पल टेन में भी देखें आपने जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और इनको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करना है. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8D से स्टार्ट लेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.